नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं पंडित हरीश तिवारी जी। पिछले हिस्से में हमने उनके संगीत सफर पर बातचीत की और जैसा कि हमने वादा किया था कि ये हिस्सा हम डेडिकेट करेंगे पूरी तरीके से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के उनके गुरु के तौर पर जुड़ने और तालीम देने की कहानी, उसके संदर्भ और उसके किस्सों पर। तो ये बातचीत शुरू करते हैं। इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में पंडित जी, अब हम बात करेंगे आपके संगीत सफर के उस पहलू पर जो बहुत दिलचस्प भी है और बहुत ही सिखाने वाला है, और वो पहलू है निश्चित तौर पर भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जी का आपके गुरु के तौर पर आपसे उनका जुड़ाव। अब जितनी मेरी जानकारी है, और अभी आप पिछले हिस्से में बता भी रहे थे कि बाबा कारण साहब ने आपके लिए चिट्ठी लिखी, तो ये जानना दिलचस्प है कि मतलब थिएटर के इतने बड़े नाम हैं वीबी कारण, वहां तक आप कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसे चिट्ठी लिखी आपके लिए, जरा ये पूरा वाकया बताइए। जी जी, मैं जैसा कि आपको बताया था पिछले बार में कि बनारस में मैं जब सीखता था तो वहां पंडित श्रीकांत मिश्रा जी पखावज वादक थे। अच्छा। वो नामी आर्टिस्ट थे, उनको टुन महाराज के नाम से लोग जानते थे बनारस में, टुन महाराज। तो वो हमारा गाना सुनते थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और यहाँ से भागो, यहाँ से तुमको मंच पे आना है गाने के लिए, तो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा तुम्हारा गाना, जो मेरा टेस्ट था तो उसको हमें बोला यहाँ हम जाना चाहते। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखा गुंदेचा ब्रदर्स के पास। अच्छा। पंडित उमाकांत गुंदेचा, रमाकांत गुंदेचा जी, तो उनके पास गए, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे और अभी भी सपोर्ट करते हैं, जो नए जो सीखना चाहते हैं, जो भी जिस जितना बन सकता है उनसे तो उतना वो करते हैं। तो हम लोग गए और थोड़ा हम लोग उनका गाना सुनते थे तो पहचान भी थोड़ी सी थी, तो उनके मार्फत ज्यादा असर हुआ उस बात का। तो उन्होंने उनके यहाँ पहुंचे, तो वो सुबह सुबह पहुंच गए उनके यहाँ भोपाल में, वो बैठ कर अपना रियाज कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग फ्रेश वर्स हो जाइए, तब तक तैयार होके। हम लोग ने बताया कि ये जब बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम अभी देखते हैं। तो फिर हम पहले अशोक बाजी वाजपेयी जी के पास गए, तो वो भी संगीत के बहुत सारे उनके बहुत बड़े आदमी हैं, वो अफसर है, तो उनके पास हम गए भी। उन्होंने एक बात रखी कि आपको जहां जाना है वहां हम आपके लिए चिट्ठी लिख देंगे, लेकिन पंडित भीमसेन जोशी जी से मेरा ज्यादा जान पहचान नहीं है, उनका गाना सुना है हमने और मूडी आर्टिस्ट है वो। तो हमने उनको बोला कि वो सभी आर्टिस्टों का नाम गिना दे कि यहाँ आप जाना चाहे मैं चिट्ठी लिखूंगा, यहाँ जाना चाहे मैं, देखिए हमको एक ही जगह जाना है, हमको जाएंगे तो वहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम जहाँ सीख रहे हैं वहीं सीखेंगे। मेरे मन में ये है कि अगर हम घर शहर छोड़ेंगे तो हम उनके लिए ही छोड़ रहे हैं, वहां जाएंगे। तो हमने बोला फिर भी आप बड़े लोग हैं, एक चिट्ठी लिख दीजिए, ये एक बड़ा चिट्ठी लेके जाऊंगा, असर होगा उसका। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया जो ऐसे ऐसे ये प्रतिज्ञा करके चले हैं हम आपके पास ही सीखेंगे, तो वो भी चिट्ठी दे दिया था मैंने। फिर बाद में शाम को ये गुंदेचा बड़े बड़े वाले उमाकांत जी, वो शाम को आए, बोले हरीश भाई अब आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि बाबा जो है आज मिले हैं, उनको सभी बाबा बोलते थे कारण साहब, तो कारण साहब से मिले हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं जी शाम को हैं, तो वही भारत भवन में उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक चिट्ठी आपको लिख देंगे, और एक किताब उन्होंने दिया, एक पुस्तक जो है तानसेन नाम की किताब है, वो प्रेमलता जी ने लिखी है, उसमें सभी तानसेन के पद हैं। तो उन्होंने बोला ये पुस्तक जो है पंडित जी को दे दीजिएगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद वहां जाने वाला हूँ, तो तब तक आप पहुंच जाएंगे तो पंडित जी थोड़ा देख लेंगे, ये पद पंडित जी के रिकॉर्ड कराने हैं। तो वो मैं चिट्ठी लेके गया गुरु जी के पास। दूसरे दिन उस दिन रात को हम जहाँ कहीं रुके थे, तो सुबह फोन किया तो बताया कि 11 बजे तक आइए उनके घर में, जो है हमारी गुरु माँ ने फोन उठाया था, उन्होंने बोला कि 11 बजे के बाद आइए आप। 11 बजे हम पहुंचे, फिर गुरु जी आए वहां से अंदर से, फिर सब फल वगैरह रखा, ये सब फलाहार करो से गुरु जी ने बोला,
हमने चिट्ठी दिया तो पढ़े, उन्होंने बोले ये कहाँ तुमको मिल गए। हमने बताया ऐसे ऐसे हम उसके लिए तो उनके पास गए थे, तो उन्होंने एक किताब दिया है आपको रिकॉर्ड करना है। हाँ उनसे बात हुई है मेरी फोन पे। तो फिर उन्होंने चिट्ठी पढ़ा, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने यही बताया कि तो चिट्ठी में लिखा हम बनारस में थे, कहाँ से भाई बनारस से हमें। उन्होंने बोला कि बनारस में तो वहां पे बनारस सिंह पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य लोग वहां पढ़ा सिखाते हैं। हमने बोला जी हाँ सभी लोग वहां सिखाते हैं भाई। तो एन राजम को जानते थे, श्रीमती एन राजम जो है वायलिन वादिका, उनको बोलते थे राजम राजम जी वही है ना। हमने कहा जी हाँ वहीं पे है। बोले यहाँ आई है वो, हमारे यहाँ आई है। तो फिर बड़े उससे उन्होंने बोला, बड़े खुश हुए। फिर बोले कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं फरवरी के महीने में गया, फरवरी के लास्ट में होली का मौसम आने वाला था शायद, तो ये हमको थोड़ा सा याद है। तो उन्होंने बोला कि मार्च का वही एक दो तारीख था कुछ, वही दिन हम लोग फरवरी के लास्ट में गए थे। तो उन्होंने बोला कि मई में आना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मई में आना, मैं जरा आवाज सुनूंगा तो बताऊंगा। चिट्ठी लिखने के बाद भी वो तो चिट्ठी सुन देख लिया उन्होंने, लेकिन मेन तो चीज ये है कि टेस्ट हाँ लेना है। फिर बिल्कुल हम उन्होंने बोला पहले टेलीग्राम करना फिर आना यहाँ। तो हम टेलीग्राम कर दिए, जवाब का बिना इंतजार किए मैं दूसरे तीसरे दिन ट्रेन पकड़ लिया। उन्होंने कहा गुरु जी बस टेलीग्राम करना, चल देना वहां से। तो गुरु जी का कहने का मतलब कि टेलीग्राम देना, उधर से जब जवाब आएगा तो जाना। तो हम पहुंच गए, तो गुरु जी को देखिए 2-3 महीने के बाद गए हैं, उनके पास तो रोज करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी याददाश्त इतनी तेज थी। गेट पे मैं गया, तुरंत पहचान लिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो तुम कल आना शाम को। फिर मैं उस दिन दूसरे दिन शाम को गया, तो बोले हमारा शागिर्द रियाज कर रहा है पीछे, माधव पंडित माधव गुड़ी जी, गुरु जी के पास रहते थे, तो वो रियाज का सीनियर शागिर्द हमारे गुरु जी के हैं। तो वहां रियाज करते वहां बैठे हम। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने बुलाया कि बुला रहे हैं पंडित जी। तो मैं गया, तो उन्होंने बोला कि आज हमको कहीं जाना है, तुम कल आना। फिर दूसरे दिन भी मैं गया, दूसरे दिन भी उन्होंने फिर से बुलाया, बोला आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। ऐसे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे चला। तो देखिए गुरु इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक तो वाकई भी टाइम भी नहीं रहता है उनके पास। तो फिर एक समय आ गया, एक दिन आ ही गया कि गुरु जी आए। और उस दिन जो है तबला संगतकार भी वहां माधव गुरु जी के साथ, एक तबला जो संगत करने के लिए आए थे, जी सुभाष कामत, कामत पंडित चंद्रकांत कामत के लड़के हैं, जैसे भरत कामत है ना, उन्हीं के भाई, बड़े भाई। तो माधव भैया को रियाज करा रहे थे, तो गुरु जी आए। उन्होंने बोला भाई ये तंबोरा दो, मराठी में बोला उन्होंने कि तंबोरा दो, ये बनारस का है, जरा आवाज सुननी है इसकी। तो अब गुरु जी के सभी शागिर्द वहां बैठे थे, ये पंडित माधव गुड़ी जी तो थे, ये तंबूरा मिला के दिया उन्होंने, उपेंद्र भट्ट और भी कई लोग थे वहां। तो कोई मालकों सुनाया मैंने, राग मालकोस। जी तो उसमें हमको जो तालीम वैसे बनारस में मेरी अच्छी हुई थी, तो हमारे गुरु जी ने बोला कि ये बताओ शौकिया गाना सीखना है कि धंधा करना है इसका। सेंटेंस उनका यही था, ये डिट्टो यही सेंटेंस था। अच्छा ये बताओ कि गाना शौकिया गाना सीखना है या धंधा करना है इसका। उन्होंने बोला नहीं धंधा करना है इसका। उन्होंने बोला इसके लिए लाखों में एक बनना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना होगा इसके लिए। तो हमने बोला जैसे मैं हाजिर हूं इसके लिए, जैसा आपका आदेश होगा। तो फिर मेरे गुरु जी ने वो दूसरे दिन बुलाया सुबह, तो सुबह आना 8 बजे। तो मैं वहां से कुछ दूरी पे रहता था, मतलब वो लगभग 12-14 किलोमीटर दूरी पे था, वो कोंढवा, एक जगह है कोंढवा। जी तो वहां हमारे रहने की व्यवस्था जो हुई थी, मैं केवल एक वहां श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपत ट्रस्ट है, तो उसके अध्यक्ष से हम मिले, माननीय प्रताप राव गोडसे जी। तो उन्होंने पूछा, हमने बताया कि मैं बनारस से आया हूँ और गाना सीखने आया हूँ पंडित भीमसेन जोशी जी से। तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया गुरु जी को, बोला ये बनारस से आए हैं, हमारे एक और मित्र भी गए थे साथ में, तो बोला ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि हमसे आपसे सीखते हैं। बोले हाँ हाँ वो बोला होगा लंबे से और लंबा सा होगा, ऐसा उन्होंने फोन पे बात किया। तो वो शाम को भी आज आने वाला है। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम रहने की व्यवस्था कर रहे हैं,
तो उन्होंने केवल गुरु जी का नाम लेने से उन्होंने हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दी वहां कुंडवा में। तो वहां हमारे रहने खाने की चिंता दूर हो गई और मैं वहां से फिर मेरा तालीम चालू हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।